मेरा जो मसला है मैं SRO 394 के रिलेटेड यहाँ पे बात करने आई हूँ, JK वाटर स्पोर्ट्स सेंटर के जो है, ठीक है। हमारा जो मसला है वो 7-8 सालों से हमारा जो ये SRO के 9394 जो है वो पेंडिंग रहा है, हमारे ऊपर कोई कदम नहीं उठा रहा है, हम जॉबलेस है, हम अभी तक सफ़र कर रहे हैं 7-8 साल से, हमारा कोई जॉब नहीं मिल रहा है, कुछ नहीं मिल रहा है। हम गोल्ड मेडलिस्ट है, इंटरनेशनल मेडलिस्ट है, तो अगर हम लोगों ने स्टेट्स को इतना सारा कुछ दिया है तो स्टेट हमें क्यों नहीं कुछ दे रहा है। हम अभी तक हम जॉबलेस है, हमें जॉब नहीं मिल रही है, हमें बार बार बोल प्रेस कॉलोनी में आना पड़ता है, प्रेस मतलब मीडिया पे आना पड़ता है कि हमारे जो हमारे लिए इंसाफ कीजिए, हमारे साथ इंसाफ कीजिए। अभी तक हमारा हमारे साथ कुछ नहीं हुआ। मेरी गुजारिश है और आप लोगों की वसादत से मैं LG साहब से गुजारिश करना चाहती हूँ कि वो हमारे ऊपर ध्यान दें और हमारे मसले के ऊपर ध्यान दें। कितने स्टूडेंट्स हैं आप? हम हैं 250 लगभग। हमने काउंसिल में भी बात की है लेकिन हमारे साथ कभी इंसाफ नहीं हो रहा, हमारे साथ ना इंसाफ। कहाँ क्या जाता है अगर डेलीगेशन भी आती है? बात आगे नहीं करनी थी डेलीगेशन वालों से, हम लोग गए डेलीगेशन वालों के पास, हम जाना चाह रहे थे लेकिन हमें बात नहीं करनी थी डेलीगेशन वालों से। क्यों हमें बात नहीं करनी थी? लेकिन उन्होंने तो कहा कि उनके पास तकरीबन 800 लोग मिले थे। ये बताइए आपने किस में गोल्ड मेडल लिया है? इंटरनेशनल में एशियन चैंपियनशिप थाईलैंड में, वहाँ से हमने 6 मेडल लाए वहाँ से इंडिया के लिए, मगर अभी भी मैं जॉब लिस्ट हूँ। कल हमने सोचा हम डेलीगेशन से मिले, हम उनके साथ बात करें, ऐसा ऐसा मिलने नहीं दिया। वहाँ पर वही लोग आ गए जो उनके अपने थे, मतलब जो उनकी बात माने, जो उनकी बात माने वही बोलते हैं। वो हमको नहीं मिल दिया क्यों? तो आप सारे वहाँ पे जमा थे? जमा हमने सचिव साहब से मीटिंग किया, सब नहीं हम आपसे मिलने नहीं देगा उनके साथ, हम आपके हम मंडे के दिन आपसे मिलेगा। क्या फायदा मंडे के दिन जब डेलीगेशन से बात नहीं किया तो हम किससे बात करेंगे? क्या चाहते हैं आप? जस्टिस। 2016 में हमने फाइल करी है, आज तक कुछ भी नहीं हुआ। 2016 अभी हमारा नल जो है उसका भी डेट निकल गया आज तक।